हम कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं, ऑब्वियसली लीगली। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सबसे पहला पॉइंट कहता है डिवाइड एंड रूल। मान लीजिए आपकी कंपनी साल के 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करती है और उसमें से आपको प्रॉफिट होता है 20% का, यानी 20 लाख रुपए। अब अगर आप इस पर नॉर्मल टैक्स पे करते हैं तो आपकी फर्म को अप्रोक्सीमेटली 5.5 लाख रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस इनकम को डिवाइड कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल एज अ फैमिली बिजनेस शो करते हैं, जहाँ पर आपके 4 फैमिली मेंबर्स आपका बिजनेस रन करने में हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि मदर अकाउंट्स में, सिस्टर मैनेज करने में एक्सेट्रा, और आप इन्हें हर मंथ 42,000 की सैलरी के आसपास देते हैं, तो आपके हर एक फैमिली मेंबर की एनुअल सैलरी बनेगी 5 लाख के करीब, यानी आपकी फैमिली को आपके समेत 20 लाख रुपए मिल जाएंगे एज अ सैलरी, और आपकी कंपनी की इनकम हो जाएगी 0 रुपीज। और आपके किसी भी फैमिली मेंबर को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के अकॉर्डिंग वो लोअर टैक्स ब्रैकेट में है। अब अगर आप इन एडिशन अपने फैमिली मेंबर्स को ATC, ATDD जैसे डिडक्शन दिलवा देते हो, तो आपकी कंपनी और आपकी फैमिली मेंबर को 20 लाख से भी कहीं ज्यादा पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सर हम तो बिलियनर की बात कर रहे थे, यहाँ पर तो सिर्फ 1-2 करोड़ की बात हो रही है। कोई बात नहीं, सब्र करो, सब्र का फल गीगल होता है। नेक्स्ट ट्रिक जो अमीर लोग टैक्स से बचने के लिए यूज करते हैं वो है एक्सपेंसेस। देखिए, एक सैलरीड पर्सन टैक्स देता है अपनी इनकम पर और फिर बेचारे के पास कुछ पैसे बचते हैं खर्च करने के लिए, लेकिन एक बिजनेस पहले खर्चे करता है यानी एक्सपेंसेस करता है और फिर उसके बाद टैक्स देता है, और इस सीक्वेंस की वजह से ही एक अमीर और ज्यादा अमीर होता रहता है। अब मान लीजिए कि आपका बिजनेस 1 करोड़ रुपए साल का कमाता है, लेकिन आपका प्रॉफिट है 40%। इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, इमोशनल मत होना प्रॉफिट परसेंटेज को लेके। एनीवेज, इसका मतलब है कि साल के आप कमा रहे हो 40 लाख रुपए। होगा ये कि जब भी आप बिजनेस चला रहे होंगे तो ऑब्वियसली जिस रूम में आप बैठोगे उस रूम में AC तो ऑन करोगे ही। अब अगर आप किसी के साथ बिजनेस मीटिंग के लिए जाओगे तो ऑब्वियसली कार में पेट्रोल तो भरवाओगे ही। घर का कोई रूम अगर आप बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली उस रूम का रेंट भी आपका बिजनेस ही पे करेगा। अब कभी आप अपनी बिजनेस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपको फॉरेन जाना पड़ा तो ये भी आपका बिजनेस ही पे करेगा। अब अगर आप फ्लाइट में टाइट होकर नहीं बैठना चाहते तो ऑब्वियसली आप बिजनेस क्लास ही ट्रेवल करोगे तो ये भी एज एन एक्सपेंस आपका बिजनेस ही पे करेगा। बिजनेस मीटिंग्स अगर आप 5-star होटल में करोगे तो वो भी बिजनेस ही पे करेगा। तो अब आपका प्रॉफिट 40% से दोबारा से 20% हो जाएगा, यानी अगेन 20 लाख। अब पहला रूल तो आपको पता ही है, डिवाइड एंड रूल। इसके बाद अमीर लोग इस 20 लाख रुपए में डिवाइड एंड रूल यूज करेंगे और बस आप टैक्स फ्री हो गए। जोक्स अपार्ट, द गोल इज टू अलाइन योर पर्सनल गोल्स विद योर बिजनेस गोल्स। अगर हमें बिजनेस की गेम में बहुत मजा आ रहा है तो आपका हर एक एक्सपेंस डिडक्ट किया जा सकता है, क्योंकि आपका मैक्सिमम खर्चा बिजनेस का ही खर्चा होगा और ये बहुत ही कॉमन है बिजनेस में। एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट रूल कहता है हाइड योर वेल्थ इन स्टॉक्स। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जेफ बेजोस जैसे बिलियनर्स बहुत ज्यादा सैलरी नहीं लेते लेकिन फिर भी वो इतने अमीर हैं, कैसे? एक्चुअली में होता यह है कि गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस पर टैक्स तब लगाती है जब वो अपनी कंपनी से पैसे निकालता है, जैसे कि अपनी कंपनी के शेयर्स बेच के। तो इससे बचने के लिए अमीर लोग करते क्या है कि वो अपनी कंपनी के पैसे कभी निकालते ही नहीं, वो उसी बिजनेस में रीइन्वेस्ट करते रहते हैं जिससे उनकी वेल्थ और बढ़ती रहती है, यानी उनकी कंपनी के शेयर्स का प्राइस बढ़ता रहता है और वो बहुत अमीर होते रहते हैं। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे पैसों का क्या फायदा जिसे हम निकाल ही ना पाए, मुझे तो गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, वेकेशन चाहिए, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना चाहिए। तो नो वरीज, आप पिछला रूल यूज कर सकते हैं कि सब खर्चा कंपनी के नाम पर और कंपनी आपके नाम पर। अगर फिर भी आपको अपने ही नाम पर कोई अच्छा सा घर चाहिए तो अपने कुछ कंपनी के शेयर्स बेच दो और उसमें थोड़ा सा टैक्स दो और घर खरीद लो, जैसे कि जेफ बेजोस ने कैलिफोर्निया में अपने लिए नया घर खरीदा, बस यही कोई 1150 करोड़ रुपए का। $65 million for the palatial estate, but it's now worth at least $175 million. और यही रीजन है कि इलॉन मस्क जैसे बिलियनर्स भी ऑलमोस्ट जीरो सैलरी ही देते हैं, क्योंकि वो सब अपनी वेल्थ को अपनी कंपनी के शेयर्स की फॉर्म में ही रखते हैं जिसमें कोई टैक्स नहीं लगता जब तक आप शेयर बेचो ना। अमीर लोग ट्रिक यूज करते हैं वो है रिड्यूसिंग योर टैक्सेस इन अदर लोकेशंस। इस लॉ के अकॉर्डिंग कंपनीज कम टैक्स देने के लिए ऐसी जगह सब्सिडियरी कंपनीज खोलती हैं जहां पर टैक्स का रेट ही कम हो। जिस वक्त US में कंपनीज के लिए 21% टैक्स रेट था, उस वक्त आयरलैंड में 12.5% था। इसलिए एप्पल कंपनी ने अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी आयरलैंड में खोल ली ताकि उन्हें बहुत ही कम टैक्स देना पड़े। अब होता ये था कि जो भी iPhones इंडिया या मिडल ईस्ट में खरीदे जाएंगे उनका सारा रेवेन्यू एप्पल की आयरलैंड की कंपनी में जाएगा, और जहां पर एप्पल को आयरलैंड की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बहुत कम टैक्स देना पड़ेगा। अब इसमें और भी डिटेल्स हैं जिसके बारे में कभी और बात करेंगे, बट आई होप अब आप समझ गए होंगे कि कैसे एप्पल जैसे $1 trillion के बिजनेसेस खड़े किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अमीरों का फेवरेट, जो है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। लेट्स से आपने एक होटल तैयार किया है 1 करोड़ रुपए का
जिसमें से 20 लाख लैंड की कॉस्ट थी और 80 लाख रुपए बिल्डिंग की। तो ऑब्वियसली अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एज अ बिजनेसमैन आपको इस खर्चे पर भी कोई टैक्स रिबेट मिलेगी, और जैसे कि आपने गेस किया, यस मिलेगी, लेकिन पूरी 1 करोड़ रुपए पर नहीं, लेकिन 80 लाख रुपए मिलेगी, जो कि बिल्डिंग की कॉस्ट है। और वो 80 लाख रुपए की रिबेट किश्तों में मिलेगी। किश्तों में इसलिए क्योंकि लॉ की नजरों में बिल्डिंग धीरे धीरे डेप्रिशिएट होगी, इसलिए अगले 10 सालों तक 10% के हिसाब से हर साल आप 8 लाख रुपए अपनी टैक्सेबल इनकम से कम करवा सकते हो, है ना मैजिक। तो अगर आप 10 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हो तो 10 लाख माइनस 8 लाख रुपए डेप्रिसिएशन के, यानी बचे हुए 2 लाख पर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा, और अगले 10 सालों तक ऐसा ही चलता रहेगा। अब जैसे कि बिल्डिंग्स, मशीनरी, फर्नीचर खरीदने पर गवर्नमेंट हमें डेप्रिसिएशन से टैक्स रिबेट मिलता है, वैसे ही एग्जैक्टली अगर हम कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो हमें टैक्स रिबेट मिलता है, जिसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं। और ये है अमीरों की कंपनीज का एक और रूल जो वो यूज करते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक जो अमीर लोग यूज करते हैं वो है यूजिंग लोन एज द लेवरेज। जुलाई 2012 में मार्क ज़करबर्ग ने पालो ऑल्टो में 40 करोड़ का घर लिया, लेकिन लोन पर, जबकि उस वक्त मार्क ज़करबर्ग दुनिया के 40वें सबसे अमीर इंसान थे और उनकी नेटवर्थ 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। और इसी तरीके से इवन इलॉन मस्क ने भी अपने 61 मिलियन डॉलर घर के लिए लोन लिया। अगर ये दोनों चाहते तो एक झटके में ही फुल पेमेंट कर सकते थे और ना जाने कितने ऐसे घर ले सकते, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। और सवाल है क्यों? इसके 2 रीजन है। रीजन 1, कोई भी अमीर इंसान खुद से पैसे नहीं लगाना चाहता, स्पेशली जब उसे पता है कि वो उन्हीं पैसों को अपने बिजनेस में बैंक रेट के इंटरेस्ट के कंपैरेटिवली बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है। इसका दूसरा रीजन है इंटरेस्ट रेट। बैंक इन अमीरों को कम इंटरेस्ट रेट में लोन दे देती है, जितना कि वो आपको और मुझे नहीं देंगी, क्योंकि ऑब्वियसली इनकी रीपेइंग कैपेसिटी ज्यादा है। और ऑब्वियसली हर एक बैंक यही चाहता है कि ये लोग अपने बिजनेस और अपने पर्सनल चीजों के लिए उन्हीं के बैंक से लोन लें, ना कि उनके कॉम्पिटिटर्स से। अब क्योंकि इन्हें कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जितना कि इन्फ्लेशन रेट भी नहीं है, इसीलिए ऑलमोस्ट फ्री मनी है। हमें से जो लोग इम्प्लॉयज हैं, यानी सैलरीड पर्सन हैं, वो लोग सोच रहे होंगे कि हम इनमें से कितने टैक्स लॉज यूज कर सकते हैं टैक्स से बचने के लिए। तो आंसर इज 0। इम्प्लॉय पर्सन के लिए ज्यादा टैक्स रिबेट्स नहीं है, बस वही ATC, ATDD जैसे स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शंस जो हर YouTube वीडियो में दिए गए हैं। ये सारे टैक्स रिबेट्स सिर्फ बिजनेसेस और एक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि बिजनेसेस जॉब क्रिएट करें। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा जिससे मोस्ट वेल्दी लोग टैक्स से बच सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा था डिवाइड एंड रूल, यानी अगर आप अपने बिजनेस को फैमिली बिजनेस बना देते हो तो आप ऑलमोस्ट 0 टैक्स दे सकते हो। इसके लिए आपको सबको उतनी ही सैलरी देनी पड़ेगी ताकि टैक्स ब्रैकेट में उन्हें मिनिमम टैक्स देना पड़े। इसके बाद हमने देखा था एक्सपेंसेस, यानी बिजनेस का हर खर्चा एज एन एक्सपेंस डिडक्टेबल है और बचे हुए अमाउंट पर ही हमें टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए अगर आपके बिजनेस गोल्स और पर्सनल गोल्स अलाइंड हैं तो आप वेकेशन से लेके एक्सपेंसेस होटल्स तक हर एक बिल डिडक्ट करवा सकते हो। नेक्स्ट हमने देखा था कि रिच पीपल हाइड देयर वेल्थ इन स्टॉक्स, यानी वो अपने बिजनेस से कैश तभी निकालते हैं जब बहुत जरूरत हो, वरना वो उसे बिजनेस में ही रखते हैं और बिजनेस का साइज बढ़ता रहता है, नए नए बिजनेसेस खोलते रहते हैं ताकि उनकी वेल्थ बढ़ती रहे। नेक्स्ट हमने देखा था रिड्यूस योर टैक्सेस इन अदर लोकेशंस, यानी रिच पीपल अपनी पेरेंट कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी ऐसी लोकेशन में खोलते हैं जहां पर टैक्स रेट बहुत कम हो, ताकि उन्हें बहुत कम टैक्स देना पड़े। जैसे कि एप्पल की एक सब्सिडियरी कंपनी आयरलैंड में है, जहां पर एप्पल को USA के कंपैरेटिवली बहुत कम टैक्स देना पड़ता है। नेक्स्ट हमने देखा था डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, यानी कोई भी एसेट, चाहे वो बिल्डिंग हो या एक सॉफ्टवेयर का पीस, इसके खर्चे से भी अमीर लोग टैक्स रिबेट ले लेते हैं डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के जरिए। नेक्स्ट हमने देखा था दे यूज लोन एज ए लेवरेज, जिसमें हमने देखा था कि करोड़ों रुपए की नेटवर्थ होने के बावजूद इलॉन मस्क और मार्क ज़करबर्ग जैसे लोग घर के लिए लोन लेते हैं, क्योंकि इन्हें कम रेट्स में लोन मिल रहे हैं और ये अपने शेयर्स बेच के पैसे नहीं निकालना चाहते, ऑब्वियसली क्योंकि इन्हें पता है कि इनके शेयर्स का प्राइस जल्दी बढ़ेगा